तो लाइन पॉइंट से भी गाइस निकल गए और भैया पेमेंट करने वाले आए ना नीचे। भाई कितने पेमेंट करना है केला पावना लेक इकडून येतो ना विचार लो ते बोलले पुढे पुढे तुम्हाला मॅप थ्रू मिळेल। पावना लेक आणि विसापूर पहिला पावना लेक मग विसापूर ना जाईल का बस टू बस ना गाइस अभी जा रहे पावना लेक वही तो गाड़ी नहीं जाएगा वो रूट ही फाइंड कर रहा है। लेके जाओ गाड़ी यहाँ पे लेके जाओ पूरा व्यू है ये पार्किंग ये टाइगर लाइन पॉइंट के टाइगर भाई मैं सोच रहा हूँ इतना बड़ा जंगल है इनके अगर लायन आता है आगे पीछे गाड़ी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं एक आध गाड़ी बहुत टाइम से दो तीन मिनट में पास हो रही है। मेरे को अभी 2 मिनट वाली गाड़ी आई एक फॉर्चुनर गई अभी के लिए मैग्नेट आई पैचेस पूरा जंगल है पूरा जंगल यहाँ पे शोर शेर तो आते रहेंगे सो पब्लिक लेह लद्दाख की प्रैक्टिस चालू हो गई। लेह लद्दाख में आई थिंक अच्छे रोड बन गए सारे के सारे लेकिन ये महाराष्ट्र में अच्छे रोड अभी तक प्रॉपर बने यार। ये 100-200-300 मीटर का पैच इससे ज़्यादा ही खराब पैच इधर निकल गए तो ले जा तक के लिए अपनी बाइक रेडी है विदाउट ग्लोव भी निकाल रहा हूँ बिकॉज अभी ग्लोव पहन होगा तो गर्म ज़्यादा होगा ग्लोव अभी रात को क्योंकि वही तो 4 बजने के बाद थोड़ा ठंडा होगा। अभी छोड़ अभी बहुत व्यू है जाते टाइम निकालेंगे अभी रुकना नहीं है मुझे कहीं पे भी।
किल्ला नाही लेकला चाललोय. पहिला लेक आहे नंतर किल्ला, मग किल्ल्यावरून डायरेक्ट बाय घरचा. तो गाइस ये जो चढ़ान है बहुत बेकार है. देखो नीचे वाले तो दो टर्न मिस किए. बाय इतना बेकार टर्न है. गाड़ी रुक गई. कुछ ज्यादा ही छोटा रोड है. ये तो पट्टे है लेकिन गाड़ी ऐसे टर्न पे रोक नहीं सकते. अभी चांस मिला तो रुका होगा ना. गाड़ी बस नीचे 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 नहीं रहा. इसका आवाज क्या आ रहा है. बहुत है यार, एक तो स्टीप है प्लस खड्डे है. ओ भाई पीछे ही देख रहा हूँ पानी का. गाड़ी रोकू, जाएगी गाड़ी नीचे जाएगी. सो गाइस रुक गए यहाँ पे. व्यू देखो ये तो सही दिख रहा है यार. फोटो निकाल इधर कुछ उतरो. मस्त फोटो निकालते भाई. आगे लू नो भाई. अभी प्लान बना है, पहले जाना है पावना देख मंदिर, उसके बाद लोहगढ़ जाना है. विशापुर के 2 से 3 घंटा चढ़ने के लिए उतरने के लिए उतना है. लोहगढ़ करके 5 बजे तक हो जाएगा. रेस्टोरेंट है तो यहाँ से आप व्यू देखो. वहाँ पे बैठने वाले थे लेकिन सीन ऐसा है. चलो अपना खाना भी आ गया और बाइक अपनी वहाँ पे खड़ी है. और हमने मंगाया भाकरी, चपाती, पनीर मसाला और जीरा राइस. अभी आ रहा है तो आप व्यू एंजॉय करो. और अभी खाना खाते, फटाफट खाना खाते और लोगों को जाना है. तो उसके हिसाब से देखते कैसा क्या होता है. चलो फिर आगे मिलते डायरेक्ट खाना के बाइक पे. तो खाना वगैरह तो हो गया और अभी निकल गए हम टूवर्ड मुंबई निकल रहे हैं. मैं बोल रहा था लोहगढ़ जाएंगे लेकिन नहीं है टाइम उतना. अपने को 8-9 बजे पहुंचना है. अभी निकलेंगे तो 7 बजे तक थोड़ा सा टाइम पास वगैरह हम लोग करेंगे यहाँ वहाँ पे. थोड़ा तो पॉइंट देखेंगे क्योंकि कैमरा भी चार्ज नहीं है. मोबाइल भी अंदर डाल दिया मैंने. और चलो इसका ब्राइटनेस बड़ा, ये कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेट हो रहा है. तो गाइस उन्होंने बताया डैम यहाँ पे जा सकते हैं, तो देखते हैं. तो गाइस बस डैम देखना है यहाँ से. ये देखो ये डोर्स है, 1 2 3 4 5 6 दरवाजे हैं. अगर ये फुल होता तो सारा पूरा पानी इसके ऊपर छोड़ देते हैं. इधर ये इतना ही देखना है ना. नहीं इधर नहीं जा सकते. सो ये देखो अबे ऊपर जाने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा पूरा. इधर क्यों जा रहा है? हाँ तो ऊपर अंदर नहीं जा रहा है. ओके यहाँ से भी जा सकते अपन मुंबई. नहीं रे क्या लिखना उधर, क्या लिखा है उन लोग का रोड है वो पावना पावना लेक का. ये तो यहाँ पे बिजली क्या बोलते बनाते
आहे ना रोड इकडून पण जाऊ शकतो मुंबईला, पण ही वही रूट रे का माखी आग जिधर से आहे. हा रुक रुक रुक, इधर से नहीं जाएगा मैं, वही रूट रहेगा चढ़ने वाला, तो क्या जाके मतलब है, उधर से जाएंगे ना अपन. तो फिर वहां भी निकल, नहीं नहीं जा सकते. चल इधर कितना किलोमीटर दिखा रहा था, फोन दे ना, दोनों का फोन दे दूंगा. अरे बाघों ने एक व्यू कर दे, वाव व्यू है, देखो ये सुनेगी नहीं. यहाँ पर बजा होटल में जाओ, तो दूसरा ये बजा होटल है ना, ये ले माया, ये बजा होटल है. ये ले टिकट होते. सो गाइस चलो अभी ये फोटो निकाल रही है, देखो कैसा है. यहाँ पे डैम है, ऊपर जाने के लिए बोल तो रहे, इधर रोड भी दिखा रहा है सीधा सीधा 17 किलोमीटर. ठीक है अभी क्या है, अभी तो फटाफट निकलेंगे, डैम ऊपर है, थोड़ा शूट करते. ये उल्टा है शायद से, आई डोंट नो. गाड़ी रोने वाली है अपनी, बिकॉज चढ़न है नहीं, 129 किलोमीटर से तो 5 किलो 6 किलोमीटर कमी झाले, टाइम वाढला असेल. 6:26 नहीं, अपन 8-9 बजे जाना है अपने को, 8-9 बजे. गाइस रुकेंगे ऊपर, रुकेंगे रुक. तो गाइस डैम नहीं है ना, उधर पास जा रहे उसके ऊपर से जाएंगे क्या शायद से. के बाजू से जा रहे ला ले, आए देख ना, तो चल आ ना, ये देख रुके गए यहाँ पे, बोल मैं व्यू देख रहा हूँ, रुक. अरे नहीं ये पूरा रोड टच है उसको, डोंट वरी भाई, ये पूरा रोड पावना पावना धरन को, पावना जो डैम है. धोखा नहीं देना चाहिए फिर इसको, तू खुद बोलेगी मयूर नया ले ले. ये देखो बोटिंग भी है इधर, सब बंद करके रखा है गाइस, सब बंद करके रखा है. तो गाइस मुझे नहीं पता वीडियो आड़ा निकालना, ये एड़ा इसका आड़ा ना, हाँ निकाल. सो गाइस आई डोंट नो द प्लेस नेम, पावन खिंड तो नहीं है अच्छे, ये इधर नहीं है, पुणे में ही है ना. हाँ यू कैन सी द व्यू, बहुत सही है. दो
इसके बीच में से आए हम लोग, दोनों तरफ ये उसको खिंड बोलते हैं, लोहगढ़ लाला कौन उथलन बाग। हे बघ लोहगड, लोहगड जायचंय अब मागे आग आहे म्हणजे काय आहे किल्ला तो गाइस मस्त आहे यार। क्या नाम था उसका, दहीवरे खिंड, पवन खिंड इधर नहीं है वो कौन सा साइड में भूल गया भेंडी गया था उधर, जाएंगे उधर भी जाना है भाई। जो व्यू था ना यार मैं शॉक हो गया देख के, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहाँ पे है लोहगढ़, यहाँ पे भी आने वाले हैं जल्दी। अभी ना टाइम नहीं है वैसा जितना कि उधर चढ़ के वापस आए, तो अभी मैं फ्रेंड्स भी ना होगा इसको लेके आऊँगा क्योंकि पता नहीं आएगी तो, लेकिन ये भी करेंगे। गाइस कैमरा कब से हैंग है मुझे पता नहीं, मैं बोल रहा हूँ कैमरा ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है, अभी पता चला था कि भाई कैमरा हैंग है। तो अभी अपन पनवेल पहुंच गए, चाय के लिए रुकेंगे अभी थोड़ा। अभी आ गए बेलापुर, क्रॉस कर दिया मतलब नेरुल के बीच में, बेलापुर नेरुल के बीच में अभी डीवाई पाटिल स्टेडियम आएगा। तो गाइस क्विक अपडेट, थाना घोड़बंदर रोड पहुंच चुके हैं, हार्डली आधे घंटे में घर पे, मतलब ये इसके घर पे छोड़ूंगा और भी मेरा कुछ काम है। मैंने चिकन लाने बोले, चिकन लेके फिर जाएंगे। घोड़बंदर रोड पहुंच तो चुके हैं लेकिन ट्रैफिक यहाँ का अपने और टाइम कम नहीं, 9:20 इसके घर के इधर दिखा रहे हैं, 9:15 पकड़ लो 5 मिनट का। तो गाइस लाला को छोड़ दिया घर पे और अपन निकल गए अपने घर पे। होप सो सारा रिकॉर्ड प्रॉपर हुआ हो एकदम प्रॉपरली, पर मैं भी थक गया हूँ अभी, तो मैं सोच रहा हूँ आज ही रात को ब्लॉग एटलीस्ट 2 पार्ट में तो आएगा यार मिनिमम, बिकॉज बहुत बड़ा है यार, 3-3, 4-4 प्लेसेस घूमे हम लोग, उतना तो बनता है, उतना और डालना ही पड़ेगा, उसके सिवाय ये ही नहीं है। इतना 30-40 मिनट का तो ब्लॉग डालूगा नहीं मैं भाई, श्रीमान भाई नहीं हूँ सब जन देखे क्यों मुझे भाई, इधर 10 मिनट का ब्लॉग कोई देखता नहीं है पूरा, 3.5-4 मिनट का मैक्स ये रहता है 50 लोगों में, बाकी तो छोड़ ही दो उसको तो 1.5-2 मिनट। तो आने का और जाने का ही बना होगा, आने का थोड़ा बहुत उसमें ही कर दूंगा, देखते दो ब्लॉग ऐसा करेंगे आधा आधा।